आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन की पूजा कैसे करनी चाहिए। अभी होलिका दहन 1 मार्च 2018 को है। होलिका दहन प्रहलाद की भक्ति की शक्ति और भगवान विष्णु की कृति की याद में मनाई जाती है। इस दिन सभी होलिका की पूजा करते हैं। तो होलिका की पूजा में काम आने वाली सामग्री हम आपको बता देते हैं। पवित्र जल का लोटा, कुमकुम, चावल, कच्चा सूत, मूंग, हल्दी गांठ, बताशे, नारियल, पुष्प, गंध, गोबर के उपले, नई फसल जैसे चने और गेहूं की बालियां। अब पूजा कैसे करना है वह हम आपको बता देते हैं। पवित्र गंगा जल से पहले उस स्थान को शुद्ध कर दीजिए। होलिका के चारों तरफ 3 या 7 परिक्रमा करें और साथ में कच्चे सूत को लपेटें। ये जलने से पहले ध्यान रहे यह समय भद्रा के बाद का ही हो। पूजन करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रहना चाहिए। फिर लोटे के जल और अन्य पूजन सामग्री एक एक करके होलिका को अर्पित करें। विधि पंचोपचार की हो तो सबसे अच्छी है। पूजा में सप्त धान्य से पूजा की जाती है तो और अच्छा है। गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। पूजन करते समय होलिका को देखते हुए मंत्र बोलना है। मंत्र है अहकुटा भय त्रस्ते कृता त्वम होली बालिशें अत स्वाम पुजस्यामी भूति भूति प्रदायिनी। हम मंत्र वापस पढ़ रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मंत्र को लिख भी देंगे। अहकुटा भय त्रस्ते कृता त्वम होली बालिशें अत स्वाम पुजस्यामी भूति भूति प्रदायिनी। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में सही मुहूर्त पर अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। अग्नि प्रज्वलित होते ही आप डंडे को बाहर निकाल लिया जाता है। अब यह डंडा भक्त प्रहलाद का प्रतीक होता है। होलिका के समय नई फसलें आने लग जाती हैं, अतः इन्हें पूजन में विशेष स्थान दिया जाता है और होलिका के लपेटों से इसे सेकर घर के सदस्य खाते हैं और धन्य धान और समृद्धि की विनती की जाती है। होलिका के बाद फिर बड़ों को गुलाल से तिलक लगाकर चरण स्पर्श किए जाते हैं। सब एक दूसरे की बुराई पर अच्छाई की जीत की शुभकामनाएं देते हैं। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट दीजिए। धन्यवाद।